है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की लगातार पूछताछ और कांग्रेस मुख्यालय में पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ की गई मारपीट के विरोध में देश भर में कांग्रेस ने सभी राज्यों की राजधानियों में राजभवन का घेराव किया। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मिले ईडी के नोटिस को लेकर देश भर में राजभवनों का घेराव किया। राजधानी जयपुर में भी राजभवन का सांकेतिक घेराव कर विरोध दर्ज कराया। हालांकि पुलिस ने राजभवन घेराव से पहले ही सिविल लाइन फाटक पर बैरिकेड लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक लिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई और जोर आजमाइश भी हुई। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई नेता बैरिकेड पर चढ़ गए। हालांकि इसके बाद डोटासरा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शांत करते हुए कहा कि हमने सांकेतिक विरोध दर्ज कराया। आज देश में 8 साल से जिस प्रकार से तानाशाही सरकार काम कर रही है, हिटलरशाही सरकार काम कर रही है, झूठों की बेईमानों की सरकार काम कर रही है, झूठे वादे करने वाले लोगों की सरकार काम कर रही है, और हमने बहुत समय दिया है। 8 साल पहले जो वादे किए थे उन वादों का हिसाब लेने का जब समय आया, 5 साल बाद में तो इन्होंने सेना के शौर्य के पीछे छुप करके राजनीतिक चाल चली और उस चाल में वो कामयाब हो गए। एक बात तय कर लेना मोदी जी, याचना नहीं अपहरण होगा, संग्राम महाभीषण होगा, जीवन जय या मरण होगा, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में मोदी सरकार का अंत होगा। एक बात तय कर लेना, अग्निपथ 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 पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा अग्निपथ। आप अग्निपथ पर हिंदुस्तान के नौजवान को जलाना चाहते हैं। ये राहुल गांधी को फंसा करके या झूठी आपका केस बना करके ये समझते हैं कि कांग्रेस को ये डैमेज कर देंगे और कांग्रेस को जनता से दूर कर देंगे। ये इनकी गलतफहमी है। 77 और 80 के बीच में क्या हुआ था ये ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत है और कांग्रेस जन जो है पूरा सड़कों पे है। कांग्रेस में की आपस की जो नाइत्तफाकी भी थी वो भी आज दूर हो गई। केंद्र सरकार अन्याय कर रही है, नहीं देगा, तानाशाही कर रही है। हमारे पुरखों ने जो आजादी अंग्रेजों से ली थी राहुल जी को, कांग्रेस को ये कहीं ना कहीं परेशान करने में कोई कमी नहीं रख रही है। फूट डालो राज कांग्रेस की नीति पे चलने वाले हमेशा हमेशा उन्होंने फूट डालो राज करो देश की एकता अखंडता न्याय तोड़ो की नीति देश पे आत्म सम्मान इसके लिए काम किया है। भाई को भाई लड़ाने वाली मनसा इंदिरा जी और राजीव गांधी जी देश की एकता अखंडता के लिए शहीद हो गए। राजभवन घेराव से पहले सिविल लाइन फाटक के पास कांग्रेस की जनसभा हुई जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश, कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, रामलाल जाट, शकुंतला रावत, ममता भूपेश, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, विधायक बाबूलाल नागर, अमीन कागजी, रफीक खान, नरेंद्र बुडानिया सहित पीसीसी पदाधिकारी, अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां पर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई का विरोध दर्ज कराया। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपने सरकारी आवास से अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च करते हुए 22 गोदाम पुलिया होते हुए सिविल लाइन फाटक पहुंचे। आपको बता दें कल सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी वर्तमान और निवर्तमान जिला अध्यक्ष और जिलों के प्रभारी मंत्रियों को विरोध प्रदर्शन करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले भी सोमवार को पीसीसी से अंबेडकर सर्किल तक पैदल मार्च निकाला था और ईडी कार्यालय का घेराव करते हुए करीब 5 घंटे तक धरना दिया था। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।